What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL. आज बहुत special video है, आज पहली बार YFL पर एक थाली बना रहा हूँ और ये कोई ordinary थाली नहीं है, एक बहुत ही beautiful, बहुत ही pure, बहुत ही auspicious occasion के लिए थाली बनती है. गणेश उत्सव जल्दी हम celebrate करने वाले हैं और बापा हम सभी के घरों पर आने वाले हैं और महाराष्ट्र में स्पेशली जब फर्स्ट डे पर गणपति बापा हमारे घर पर आते हैं वो टाइम पर एक थाली बनती है जो नैवेद्य के लिए यानी कि भोग के लिए बनाई जाती है. सात्विक खाना इसमें होता है और हर साल जब भी गणेश उत्सव मनाया जाता है तो पहले दिन पर मैं और पूरी YFL टीम हम सब मानस के घर पे जाते हैं. मानस जो YFL के हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं उनके घर पे जाते हैं दर्शन लेने बापा के और उनकी जो आई और बाबा हैं वो साथ में मिलकर बहुत प्यार से प्रियंका काकू और प्रफुल काका हमें ये थाली सर्व करते हैं. पहले एक्चुअली बापा को सर्व की जाती है, पहले नैवेद्य चढ़ाया जाता है और फिर हमें वो सर्व की जाती है और फिर हम साथ में बैठकर ये थाली एंजॉय करते हैं. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डे थ्रू आउट द ईयर कि वो दिन कब आएगा जब हम बापा के दर्शन करने जाएंगे उनके घर और हमें एक थाली खाने मिलेगी. तो ये जो रेसिपी है स्पेशली मैंने प्रियंका काकू और प्रफुल काका से ली है, उनके घर पे जैसे बनती है और वही रेसिपी आज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ. अब ये जो थाली है ना वो हर घर की थाली जो है वो अलग होती है. कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग बनती है सबके घरों के हिसाब से. तो ये थाली में बहुत चीज़ें बनने वाली हैं, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं पहले YFL पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे उकड़ी से मोदक, पूरन पोली और जो कोथिंबीर वड़ी वो लास्ट वीडियो में ही मैंने बनाई थी और बाकी की जो चीज़ें वो इस वीडियो में बनने वाली है. जैसे बटाट्याची भाजी बनेगी, फिर एक टमेटो सार बनेगा जो मज़ा आ जाता है पीने में, फिर वरण बनेगा जो वरण भात ऊपर से तूप डालो मज़ा आ जाता है वो खाने में, और फिर एक स्वीट रेसिपी बनेगी जिसे शिकरण कहा जाता है जो केले का बनता है, साथ ही में खमंग काकड़ी बनेगी और फिर लास्ट में वो थाली सजाएंगे और फिर आपके साथ ये सारी रेसिपीज़ आज शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले बटाट्याची भाजी कैसे बनती है, जो महाराष्ट्र में एक बहुत कॉमन और बहुत सिंपल और बहुत ही डिलिशियस सब्जी है, वो कैसे बनती है वो देख लेते हैं. एक हमाम दस्ते में 2 इंच अदरक, 3 हरी मिर्ची, थोड़े से ताज़े धनिए के पत्ते और एक चुटकी नमक डाल दीजिए और ये सारी चीज़ों को आपको दरदरा सा कूट लेना है. एक बेसिकली ठेचा टाइप बनाना है पर इसमें लहसुन नहीं ऐड करना है, ये आप मैंने आपको पहले बता दिया था. ये सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लीजिए. एक बार ये सारी चीज़ों को आपने कूट लिया है, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए. तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 10 से 12 कड़ी पत्ते, जो हमने अदरक और मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दीजिए. ये सारी चीज़ों को आपको लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है. एक बार आपने हल्का सा भून लिया इसे तब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कीजिए. ज़रा सा हल्का सा आपको स्टर कर लेना है. अब लो फ्लेम पर ही रखते हुए इसमें 5 से 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू जो हैं वो आपको रफली मैश करके इसमें ऐड करने हैं. एक बार आपने आलू को मैश करके ऐड कर दिया है तब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए. सारी चीज़ों को आपको स्टर कर लेना है अच्छे से, जो मसाले हैं उनसे आलूओं को कोट कर लेना है और मिक्स करते टाइम करची की मदद से या स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का आलूओं को मैश करना है. इसी तरीके से 3-4 मिनट के लिए आपको आलूओं को पका लेना है मसाले के साथ और फिर लास्ट में आपको इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया यानी कि कोथिंबीर और 1/2 नींबू का रस ऐड कर देना है. अच्छे से स्टर कर लेना है और ये आप देख सकते हो हमारी बटाट्याची भाजी रेडी हो गई है. तो बटाट्याची भाजी तो हमने बना ली है और आपने देखा कितनी सिंपल प्रिपरेशन है. अगर आप ये थाली नहीं भी बना रहे हो तो अलग से बना सकते हो, फटाफट बन जाती है और चपाती के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है इसे. और महाराष्ट्रीयन घरों में अक्सर ये बनती रहती है, इट्स अ क्वाइट कॉमन रेसिपी और बहुत डिलिशियस भी लगती है. अब ये रेसिपी के अलावा भाजी के तौर पे इस थाली में और भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग घरों में सर्व होती है. जैसे अड़ू से फतफतो बनता है, अड़ू के जो पत्ते होते हैं जैसे अड़ूची वड़ी बनती है उसी पत्तों को यूज़ करके एक भाजी बनाई जाती है, थोड़ा सा उसमें इमली और गुड़ डालकर. और ये जब ये पकाते ना तो उसमें से वो फतफतो वाली आवाज़ आती है, इसलिए उसका नाम वो पड़ गया है. वालत से बिल्डर बनता है. तो ऐसे अलग अलग और भी चीज़ें बनती है सात्विक वाली इस थाली के लिए. तो अलग अलग घरों में अलग अलग चीज़ें बनती है. आज मैं सिर्फ भाजी के तौर पे बटाट्याची भाजी बना रहा हूँ क्योंकि मानस के घर पे ये सिर्फ यही वाली भाजी सर्व होती है. अब नेक्स्ट जो है रेसिपी वो है टमेटो सार. टमाटर का एक सार है यानी कि एक रस्सा टाइप है, रसम जैसे होता है या सूप जैसे होता है वैसे ही होता है. सिंपल प्रिपरेशन है, वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं.
तो यहाँ पर पानी मैंने गर्म करने रख दिया था, इसमें हमें टमाटर ऐड करने हैं। तो 5 से 6 टमाटर ले लीजिए, उनके ऊपर इस तरीके से क्रिस क्रॉस कट लगा के टमाटरों को आपको गर्म पानी में ऐड कर देना है। अब यहाँ पर टमाटरों को 5 से 6 मिनट के लिए आपको उबालना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए टमाटरों को इस तरीके से उबाल लीजिए। ये आप देख सकते हो हल्की हल्की स्किन छूटने लग गई है। टमाटरों को आपको निकालना है और ठंडे पानी में डिप करना है कि ये ठंडे हो जाए फटाफट, और स्किन निकालने में भी आपको आसानी हो जाए। तो एक बार आपने टमाटरों को ठंडा कर लिया इस तरीके से, तो एक एक टमाटर को लेना है और इस तरीके से इसके छिलके निकाल लेने हैं। छिलके निकाल कर आपको डिस्कार्ड कर देने हैं और जो टमाटर है उन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देना। तब इसमें एक छोटा टुकड़ा या 1/4 छोटा बीटरूट ऐड कर दीजिए। कलर के लिए ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और साथ ही में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक फाइन पेस्ट, एक फाइन प्योरे तैयार कर लीजिए। एक बार आपने फाइन प्योरे इसकी तैयार कर ली है, तो एक बर्तन के अंदर छन्नी प्लेस करके इस प्योरे को छान कर आपको ऐड कर देना है। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन टेक्सचर जो है अच्छा आ जाता है कि थोड़े बहुत अगर बीज बीज कुछ रह जाए तो वो निकल जाते हैं। आप देख सकते हो छन्नी में तो कुछ बचा नहीं है, बट टेक्सचर अच्छा आ जाएगा, टमेटो सार का कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाएगी। यहाँ मैंने आधा जो है ताज़ा नारियल जो है ग्रेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है मिक्सर ग्राइंडिंग जार में। साथ ही में 1 इंच अदरक, 2 इसमें तीखी वाली हरी मिर्च और 2.5 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी 2 स्टेजेस में ऐड करूँगा, आपको बताता हूँ अभी। पहले इसे आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एक बार आपने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है तो एक बोल के अंदर छन्नी प्लेस कीजिए, उसके अंदर मलमल का कपड़ा रखिए और उसके अंदर ये आपको मिक्सर ऐड कर देना है। मिक्सर ऐड करने का इसे अच्छे से छान लेना है, स्क्वीज आउट कर लेना सारा पानी जो है। तो बेसिकली फ्लेवर्ड कोकोनट मिल्क हमें यहाँ मिल गया है। अब एक बार आपने प्रोसेस कर लिया है तो बाकी का जो मिक्सर बच गया है मलमल के कपड़े में, उसे फिर से आपको मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देना है और 2.5 कप पानी फिर से डालना है। तो टोटल 5 कप पानी हमने यूज़ किया है। पानी डालकर इसे फिर से ग्राइंड कर दीजिए और फिर से सेम प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है, इसे छानकर मलमल के कपड़े से पानी को निकाल देना है। तो आप देख सकते हो हमें एक पतला सा फ्लेवर्ड कोकोनट मिल्क मिल गया है। इस कोकोनट मिल्क को भी अभी आपको टमाटर वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। गैस को आपको चालू कर देना है और अच्छे से इस मिक्सर को स्टर कर लेना है। फिर इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, 1/4 कप शक्कर डालनी है टमाटरों के टैंगीनेस को बैलेंस करने के लिए, और अभी अच्छे से आपको स्टर कर लेना है जब तक कि शुगर मेल्ट नहीं हो जाती है। एक बार शुगर मेल्ट हो जाए तब एक सेपरेट बोल के अंदर 1 टेबलस्पून चावल का आटा लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एक स्लरी बना लेनी है, जैसे कॉर्नस्टार्च की स्लरी बनाते हैं गाढ़ा करने के लिए। इस स्लरी को आपको सार के अंदर ऐड कर देना है, इससे हल्की सी थिकनेस है, हल्की सी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी टमेटो सार को। अच्छे से स्टर कर लेना है और टमेटो सार को एक उबाल पे ले आना है। उबाल पे लाकर 6 से 7 मिनट के लिए टमेटो सार को आपको पका लेना है। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे हल्का सा ये रिड्यूस हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ऐसे पतली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, गाढ़ा नहीं इसे बनाना है हमें बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए तब फ्लेम को आप लो कर दीजिए। अब दूसरे पैन के अंदर एक तड़का तैयार करना है। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून उड़द दाल डालकर उड़द दाल को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भून लेना है। दाल को आपने भून लिया, उसके बाद 1/4 टीस्पून जीरा और 5 से 6 कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर देना है। इमिजिएटली इस तड़के को आपको टमेटो सार के अंदर ऐड कर देना है, अच्छे से स्टर कर लेना है। फिर लास्ट में इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया डालना है और ये आप देख सकते हो हमारा टमेटो सार रेडी हो गया है। ये जो टमेटो सार है ना, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है और इसे सीधा वाटी में से पीने का जो मज़ा आता है ना, बहुत डिलिशियस भी होता है। अब ये टमेटो सार अलग अलग घरों में इसकी रेसिपीज चेंज होती जाती हैं, जैसे कई घरों में कोकोनट मिल्क नहीं डाला जाता है, कई घरों में जैसे टमाटरों के साथ खाली जो धनिए के स्टॉक्स होते हैं ना, डंठल होती है, उन्हें उबाल कर साथ में बनाया जाता है। तो थोड़ी बहुत रेसिपी यहाँ वहाँ होती रहती है, बट ये वाली जो रेसिपी है ना, इससे टमेटो सार बहुत ही डिलिशियस बनता है। तो आप ऐसे ही बनाकर एक बार ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट हमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस महाराष्ट्रियन डिशेज जो है वरण, जो एक सिंपल सी दाल होती है बिना तड़के की, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप तुअर दाल को अच्छे से वॉश करके 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखा था पानी के अंदर, फिर इसका पानी निकाल दिया है। इस दाल को भी एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसमें पानी ऐड करना है, पानी आपको 1 इंच ऊपर रखना है दाल के। साथ ही में 1/4 टीस्पून हींग, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें ऐड करना है। अब ढक्कन लगा दीजिए और 3 से 4 विसल के लिए मीडियम फ्लेम पर आपको प्रेशर कुकर में इस दाल को पका लेना है। बस ये सिंपल सी चीज़ें पड़ती हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई मसाले नहीं पड़ेंगे, कोई धनिया नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। यही बस वरण की इतनी सिंपल सी रेसिपी होती है। एक बार 3 से 4 विसल इसमें लग जाएँ तो प्रेशर कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए, इसमें से जो स्टीम है वो निकल जाने दीजिए। फिर कुकर के ढक्कन को चेक करके आपको ढक्कन खोल देना है।
आप देख सकते हो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब फ्लेम को ऑन कर दीजिए और एक चम्मच की मदद से या विस्क की मदद से इस दाल को आपको अच्छे से घोटना है। घोटना यानी कि दाल जो है वो पानी के साथ घुल जानी चाहिए, टेक्सचर जो इसका थोड़ा सा स्मूथ हो जाना चाहिए। तो इसको इस तरीके से अच्छे से आप घोट लीजिए। घोटने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी थिक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा पतला करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ। मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की, और कई घरों में काफ़ी पतला भी वरण बनाया जाता है, बट मुझे ऐसा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला अच्छा लगता है। मानस के घर पे भी वैसे ही बनता है तो मैं वैसे बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी मैंने एडजस्ट कर ली है, हल्का सा उबाल आ जाए दाल के अंदर तो आप देख सकते हो हमारा वरण भात के लिए वरण जो है वो रेडी हो गया है। तो वरण आपने देखा कितना आसान है, और अगर आपका इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ है वरण से और आपने महाराष्ट्रियन कोई घर में वरण भात और ऊपर तूप यानी कि घी डाल के नहीं खाया, सो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड डिलिशियस सिंपल यू नो डेलिकेसी, महाराष्ट्रियन डेलिकेसी। डेलिकेसी ज़रूर बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत अनपैरेलल है इसका टेस्ट और मज़ा जो इसे खाने आता है। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। तो ये वरण हमारा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हमें खमंग काकड़ी बनानी है। खमंग काकड़ी यानी कि जैसे कचुंबर होता है, कोशिंबीर जिसे कहते हैं, तो ये काकड़ी के साथ यानी क्यूकुम्बर के साथ पीनट्स डालते हैं, शक्कर डालते हैं, एक तड़का डालते हैं, उसको साथ में बनाते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग इसका टेस्ट होता है। ये कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बोल में दो मीडियम साइज़ की काकड़ी मैंने पील करके चॉप करके ऐड कर दी है। इसी तरीके से आपको इसे चॉप करना है। अब इसमें एक लार्ज पिंच नमक का आपने ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है ताकि काकड़ी से जो पानी है हम निकाल पाएं। 5 मिनट के बाद आपको थोड़ी थोड़ी काकड़ी लेनी है और अपने हाथों के बीच में इसको स्क्वीज करना और इसका पानी निकाल देना है। आप ऑप्शनली एक मलमल के कपड़े में सारी काकड़ी को डाल सकते हैं और उसको वैसे भी स्क्वीज आउट कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। एक बार आपने काकड़ी में से पानी निकाल दिया है तो काकड़ी को एक दूसरे बोल में ले लीजिए। अब इसके अंदर आधे नींबू का आपको रस ऐड करना है, 1 टीस्पून शक्कर ऐड करनी है और इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। एक बार इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तब इसका तड़का तैयार करना है। तो एक पैन के अंदर 1 टीस्पून घी ले लीजिए। एक बार घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1/4 टीस्पून जीरा, 2 चॉपकी हुई हरी मिर्ची और 5 से 6 कड़ी पत्ते ऐड कर दीजिए। फटाफट स्टर करके ये तड़के को आपको काकड़ी के अंदर ऐड कर देना है। काकड़ी में आपने एक बार इसे ऐड कर दिया तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। एक बार आपने तड़के को मिक्स कर लिया है तो इसको आपको फ्रिज में ठंडा कर लेना है और सर्व करने से पहले इसके अंदर धनिया और आपको रोस्टेड पीनट्स ऐड करने हैं। और आप देख सकते हो यहाँ मैंने पीनट्स को यानी कि मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ था, भून लिया था और दरदरा कूट लिया था। और अच्छे से इसको स्टर कर लीजिए और ये अभी खमंग काकड़ी अभी रेडी हो गई है। तो ये खमंग काकड़ी जो बनाई है ना, बहुत रिफ्रेशिंग इसके फ्लेवर्स होते हैं और बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। और चिल्ड सर्व कीजिए और मज़ा आएगा आपको। और कई घरों में इसमें थोड़ा सा नारियल भी ग्रेट करके ऐड किया जाता है, तो अगर आपको नारियल पसंद है तो वो भी इसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी बची है वो है शिकरण। शिकरण जो है दूध को, शक्कर को और राइप बनाना इसको मिक्स करके बनाया जाता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में सर्व किया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो शिकरण बनाने के लिए एक बोल के अंदर 3 मैंने राइप बनानास को इस तरीके से स्लाइस कर लिया था वो ऐड कर दिया है। अब इसे आपको हल्का हल्का मैश कर लेना है। तो एक फोर्क की मदद से इसको मैश कर रहा हूँ, एकदम पेस्ट नहीं बना देना है, बस थोड़ा थोड़ा ही मैश करना है। कई घरों में तो इसे मैश भी नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से हल्का सा इसे मैश किया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, और 1/2 कप इसमें दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आप देख सकते हो शिकरण रेडी हो गया है। इसे आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अभी इन कॉम्पोनेंट्स के अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं परोसने वाला हूँ थाली में, जो मैंने पहले ही चैनल पर बनाए हुए हैं। जैसे पूरन पोली बनाई हुई है, कोथिंबीर वड़ी बनाई हुई है और उखड़ी से मोदक भी बनाए हुए हैं। खाली अगर आप कोथिंबीर वड़ी बना रहे हो तो उसमें आपको लहसुन नहीं ऐड करना है, मैंने वो वीडियो में भी आपको बताया था। और अगर पूरन पोली के साथ आमटी बना रहे हो तो आमटी में भी आप प्याज और लहसुन नहीं ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंस रहेगा अगर नैवेद्य के लिए, भोग के लिए ये थाली आप बनाने वाले हो तो। साथ ही में कोथिंबीर वड़ी के साथ जैसे स्नैक्स में दूसरे भी स्नैक्स सर्व किए जाते हैं कभी कभी, जैसे अड़ूची वड़ी किया जाता है, सुरड़ीची वड़ी जो जिसे कहते हैं, जो खांडवी के जैसे होता है, वो एक चीज़ सर्व की जाती है। फल सर्व किया जाता है, शीर लड्डू होता है जो डो बच जाता है उखड़ी से मोदक का, उसमें कुछ चीज़ें डालकर उसे बनाकर सर्व किया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें सर्व की जाती है और बाकी की भी चीज़ें मैं और साथ में अकम्पनीमेंट सर्व करने वाला हूँ जो आपको दिख जाएगा अभी परोसते टाइम। तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, लेट्स प्लेट दिस ब्यूटीफुल थाली वाइफल स्टाइल।
व्हाट अ प्योर फीलिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल थाली दिस इज. और इतना सिंपल, हर एक चीज़ की रेसिपी इतनी सिंपल है और इसे खाने में इतना मज़ा आता है. आज तो मैंने ऐसे ही खा लिया है, लेकिन जब भी पापा घर पे आएंगे और ये जब भी थाली तब बनती है तो उन्हें पहले ऑफ़र किया जाता है और फिर बाकी सब जो दर्शन लेने आते हैं उनको खिलाया जाता है. तो ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिए. अगर आपके घर पे पापा आने वाले हैं तो भोग पर चढ़ाने के लिए, नैवेद्य के लिए ये रेसिपी, ये थाली ज़रूर बनाइए. और मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो. एंड अ बिग एंड वार्म थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम टीम YFL टू प्रियंका काकू एंड प्रफुल काका. एंड थैंक्स टू मानस के हम हमेशा उसके घर जाते हैं और हमें इतना अच्छा खाना खाने मिलता है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई होप यू ऑल लव दिस रेसिपी. एंड आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा. एंड एंजॉय दिस फेस्टिवल. प्रिपेयर वेरियस रेसिपीज़ फ्रॉम द चैनल. मैं एक प्लेलिस्ट नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जो भी चीज़ें मोदक हैं, चूरमा लाडू है, ये सारी चीज़ें पहले बनाई हुई हैं वो आप बना सकते हो इस सेलिब्रेशन के टाइम पे. सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट. हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल रेसिपी एट योर होम. गणपति बाप्पा मोरिया.